बूंदी में और 200 में बच्चों की मौतें हुई थी, तो काफ़ी राजनीति हुई, क्या कर देखते हैं आप? देखिए, मुझे ताजुब होता है कि राजस्थान में सैकड़ों बच्चे मर रहे हों और वहाँ के पहला शायद ही ऐसा कोई प्रदेश मुझे दिखाई पड़ा होगा जहाँ के मुख्यमंत्री देखने तक नहीं गए। 113-14 बच्चे वहाँ पर मरे और प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं गए। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी बड़े तामझाम के साथ बाद में फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए गए, जहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए थी। हमारे उत्तर प्रदेश में भी घटनाएँ घटी थी, आज जाकर देखें इंसेफ्लाइटिस का सफाया करने के लिए योगी सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। आज गोरखपुर में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने पाई, हमने स्वच्छ भारत मिशन से उसको जोड़ा, वहाँ पर हमने मेडिकल हब बनाने का काम किया गोरखपुर के और आसपास के एरिया में जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती थी, आज वहाँ स्थित हमारे नियंत्रण में है। लेकिन राजस्थान में जहाँ पर ये घटना घट रही थी, अस्पतालों में खुलेआम घूमते हुए सुअर दिखाई पड़ रहे थे, गंदगी दिखाई पड़ रही थी और वहाँ के नेता भी नदारद दिखाई पड़ रहे थे। तो बड़ी ये ताजुब की बात है कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज़ नहीं दिखाई पड़ी। सर, जो DNU में हिंसा हुई उसमें ABAP का नाम आया। JNU में जो हिंसा हुई वाम दलों के द्वारा की गई, और वाम दलों के द्वारा जब हिंसा हुई तो उसके प्रत्युत्तर में भी कुछ घटनाएं घटी, लेकिन जो भी घटनाएं वहां पर घटी दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसको एक राजनीतिक अड्डा बना दिया गया JNU से विश्वविद्यालय को, जो बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का स्थान था, वाम दलों ने और कांग्रेस के लोगों ने उसको राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन ये विपक्षियों ने जो प्रोटेस्ट किए हैं उसमें पैसे लेकर लोगों को बुलाया, इस तरह के भी आरोप हैं। शाहीन बाग में आप जाकर देखिए तो वहाँ तो बोलते हुए दिखाई पड़ रही महिलाएं, शाहीन बाग में जहाँ धरना दिए हुए नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ, कई दिनों से रास्ता रोके हैं, न्यायालय ने कहा कि सरकार अपना काम करे, लेकिन जब वहाँ पर आप जाकर देखिए तो पैसा लेकर धरने पर बैठा ली गई हैं औरतें, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं।